राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश के प्रति अपना आभार व्यक्त करें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता के इस उत्सव में हर हिमाचलवासी का योगदान महत्वपूर्ण होगा जो हमारी एकता और अखंडता को भी प्रदर्शित करेगा श्री आलेकर ने कहा कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया है इस अभियान के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 के दौरान देश में सभी घरों पर तिरंगा फहराने का विचार किया गया है उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी इस अभियान को एक पावन महोत्सव के रूप में स्वीकार करें और हर घर तिरंगा लगाकर राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपने स्नेह और सम्मान को दिखाएं राज्यपाल ने कहा कि भारत का राष्ट्रध्वज ध्वज देश के गौरव एवं मूल्यों का प्रतीक है यह आभार राष्ट्र के अपने शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी होगा अपना देश स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्ष का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम सबके लिए खुशी की बात है कि हम हम सब इस विषय से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं मुझे लगता है इस खुशी के उत्सव के लिए हम सबको बाहर आकर हर घर पर तिरंगा फहराने की आवश्यकता है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर पूरे देश की जनता को आवाहन किया है कि उससे पूर्व तीन दिन से हमारे घर पर तिरंगा फहराया जाए इससे हम पूरे देश की स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने प्रयास किए उन सबके प्रति कृतज्ञ क्या व्यक्त करने वाले है एनवन लाइव की खास रिपोर्ट